जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, अब और आराम नहीं करना चाहती, अब काम करना चाहती हूँ। डॉक्टर्स ने भी कहा है बस कुछ दिन बेड रेस्ट करो और फिर कुर्सी संभाल लेना। स्टाफ मेंबर्स की तो मुझे बहुत याद आती है, कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, कॉलेज की याद तो सताएगी ना। बस अब कुछ ही दिनों में हम लोग मिलेंगे। ओके बाय। मेरे स्टाफ मेंबर्स मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। बेगम, अब चंद रोज ही की तो बात है, उसके बाद आप होंगी और आपकी प्रिंसिपल की कुर्सी होगी और उसके बाद हम आपको मिस किया करेंगे और सुबह शाम आपके लौटने का इंतजार किया करेंगे। वो तो करना पड़ेगा। एक हीना थी जिसकी शरारत से आपका दिल बहल जाता था, वो तो अब नहीं है। मुझे लगता है आपको अपना कारोबार बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो तन्हाई आपको बहुत सताएगी। बेगम, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ओहदे से रिजाइन कर जाएं। ये क्या बात हुई? अब देखिए ना, ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ नवाजा है, अब सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर आपको ये जॉब करने की जरूरत क्या है बेगम? मैं जॉब पैसे के लिए नहीं करती, ये तो आपको मालूम है। मैं तो इसलिए करती हूँ कि अपनी तालीम के जरिए सोसाइटी में पनपने वाले इंसानियत के पौधे को सींचने में मेरा भी हिस्सा रहे। अच्छा अच्छा, तो ये आपके लिए एक किस्म का सोशल वर्क है। वो तो है, और मैं समझती हूँ उसमें आपको कोई इतराज भी नहीं होगा। बेगम, हमें कैसे इतराज हो सकता है, बल्कि हमें तो आपके नेक ख्यालात सुनकर बड़ी खुशी हुई। बेगम, हम सोचते हैं कि हम अपने होने वाले नवासे या नवासी को चंद दिनों के लिए अपने पास रख लिया करेंगे। आप अपने काम में मसरूफ रहेंगी और हम उस नन्ही सी जान से अपना दिल बहला लिया करेंगे। लेकिन वो नवासा या नवासी दुनिया में आए तो सही, आप तो हीना और समीर के पास गए थे, उनसे क्यों नहीं पूछा? बेगम, आप तो कमाल कर रही हैं। हम हीना के अब्बू हैं, हम कैसे पूछ सकते हैं? ये तो माओ का काम है, आप उससे पूछिए और हमें बताइए। वैसे भी हीना शिकायत कर रही थी कि आपने उसे कभी फोन तक नहीं किया। साहब, इंश्योरेंस कंपनी से कोई आदमी आया आपसे मिलने। अरे हाँ हाँ, उसे बिठाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जी हाँ। मैंने साहब को खबर कर दी है, बस वो आते ही होंगे। आप क्या लेंगे? कुछ भी लेके आओ, मुझे सब चलता है। जी। आधा वर्जन जनाब। क्या लेंगे आप? आपके नौकर ने ऑर्डर लिया है, बस लाता ही होगा। अच्छा अच्छा, तो जनाब क्या तय किया आपने हमारे क्लेम के बारे में? मिर्जा साहब, आपका ये बंगला तो बहुत शानदार है। शुक्रिया, बस ठीक है। हाँ तो जनाब, 6 महीने हो गए लेकिन आपसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, क्या बात है? एक बात बताइए मिर्जा साहब। हाँ। आपके इस बंगले की कीमत क्या होगी? देखिए, मैंने अभी तक इस बंगले को बेचने का इरादा नहीं किया, इसलिए मैं इसकी कीमत नहीं जानता। हाँ तो किबला, जो हमारी टेक्सटाइल मिल में आग लगी थी और जो लाखों रुपए का हमें नुकसान हुआ, वो किसी सोची समझी तरतीब के बिना पर नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसे के तौर पे आग लगी थी। अब सारी दुनिया मेरी ईमानदारी से वाकिफ है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा केस आईने की तरह साफ है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इतनी देर क्यों लग रही है, इसकी वजह क्या है? चलिए माना मिर्जा साहब, आप ये बंगला बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको इसकी कीमत का अंदाजा तो होगा। अरे लाहौले बिला कुवत, आप गोली मारिए इस बंगले को जनाब। अरे हम अपने मसले का हल जानना चाहते हैं और आप इस बंगले के पीछे पड़ गए। अब क्या बताऊं मिर्जा साहब, मैं, मेरे बच्चे हैं, हो सकता है कल वो मेरे से मोटरसाइकिल की डिमांड करें। मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। देखिए, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर खुले लफ्जों में कहे तो बेहतर होगा। बात दरअसल ये है कि आपका केस मेरे अंडर में है, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में क्लेम मंजूर हो जाए और 4 दिन में रकम आपके घर पहुंच जाए, आपका तो नुकसान पूरा हो जाएगा, लेकिन मिर्जा साहब मेरा इसमें क्या फायदा होगा? समझ में आया, तो आपको रिश्वत चाहिए
और इसीलिए हमारा क्लेम पास करने में आपने डाल मडोल से काम लिया। मैंने बहुत इंतजार किया आपको यह ऑफर देने, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला तो मजबूर होकर आज ये बात कह रहा हूं, वरना अभी तक तो इंश्योरेंस के पैसे आपके जेब में होते। देखिए जनाब, एक काम कीजिए, आप जो आपने नौकर से मंगवाया है वो पी लीजिए और बराए मेहरबानी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाइए। नहीं, मैं तो धंधे की बात कर रहा हूँ। देखिए, न मुझे ये धंधा गवारा है और ना ये धन, मुझे अपने लाखों रुपए का नुकसान गवारा है, लेकिन चंद हजार रुपए हराम के देना मुझे गवारा नहीं। और एक बात आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, मेरे पास एक टेलीफोन डायरी है और उसमें सबसे ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर लिखा हुआ है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? खैरिये बिल्ला साहब, नाराज मत होइए। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी? अरे आपका तो ये धंधा है, तो फिर सॉरी किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी थी। ड्यूटी है? क्या बकवास कर रहे हैं? बात दरअसल ये है मिर्जा साहब कि जब आपका केस हमारे पास आया तो हमने हर तरह से छानबीन की और नतीजा आपके पक्ष में लगा। मुझे लगा थोड़ी बहुत मैं आपके दिल की भी छानबीन करूं। अगर आपके दिल में कोई खोट होती या आपका केस गलत होता तो आप लाखों रुपए के लिए हजारों रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते, और ऐसे में आपका असली चेहरा सामने आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चार दिन के अंदर इंश्योरेंस की रकम आपके पास भेज दूंगा। मैं तो हाँ, प्लीज चाय लीजिए ना। सॉरी मिर्जा साहब, मैं भी ड्यूटी पर हूँ और आज आपके घर पे चाय तो क्या, मेरे लिए पानी भी पीना हराम है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम, हमें नुकसान की रकम मिल जाएगी? आप सच्चे इंसान हैं। रकम आपको नहीं मिलेगी तो जाएगी कहाँ? बेटी तो सलाम। वालेकुम सलाम। आओ बेटी, आओ बेटी, आओ। जरा देखिए तो कौन आया है। अरे वाह, आज तुम दोनों हमारे घर में, भाई खुदा की कुदरत है। वाह वाह, आइए 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 आइए। क्या आइए आइए, पहली बार दामाद घर आया है, गले लगाकर इस्तकबाल कीजिए। जी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, जरूरत कैसे नहीं, हमारी बेगम साहिबा का हुक्म है तो गले तो मिलना होगा भाई। आओ आओ आओ, इधर आओ। हाँ ये ठीक है। आओ बेटा बैठो। कैसे हो? जी ठीक हूँ। और तुम्हारे अम्मी अब्बू? वो सब भी ठीक है। और आप कैसे? अरे भाई, इस घर में सब तंदुरुस्त हैं। अब मुझे देख लो, पंजा लड़ा के आजमा लो, तुम हार जाओगे मियाँ। इनके तो मजाक करने की आदत ही है। लीजिए आप बैठ गए, मुलाजिम से कहिए इनकी खातिर तवाजो करें। देखा तुम दोनों ने? अरे भाई, तुम दोनों के आने की खुशी में हमारी बेगम के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। वैसे बेगम साहिबा, ये हमारी भी बेटी हैं और ये हमारे भी दामाद हैं। जी मालूम है, लेकिन आप पहले इनसे मिल चुके हैं, आज मैं अपने अरमान पूरे करूंगी। ठीक है, तो मैं मुलाजिम से हुक्म देकर आता हूँ। बेटे मैं भी आया। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों है, कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ, कमाल है, पहले तो बहुत बात किया करती थी। क्यों समीर, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से एक अच्छी आदत है, क्यों ही ना? तो लीजिए, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर आए, मुलाजिम को सब कुछ समझा दिया हमने। अब क्या गुफ्तगू हो रही थी भाई? हा? मेरे ख्याल में आप समीर को कंपनी दीजिए, मैं हीना से बातें करूंगी, आज तो मैं सारी कसर पूरी करूंगी। हाँ आप जाइए, ससुर दामाद की जोड़ी भी खूब जमेगी। क्यों? जमाइए। नजरों से क्या देख रही हो? ये सारी चीजें मुझे अनजान से ही लग रही हैं। घर की एक एक चीज वैसी ही है,
पर कल तक ये सब मुझसे मानूस थी, आज पराई क्यों लग रही है? क्योंकि अब तुम पराए घर में पल रही हो। तो क्या ये सब मुझसे रूठ गई है? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरी आंखों में देखो, क्या मेरी ममता तुम्हें पराई लग रही है? अरे ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ? आप तो जैसे मुझे भूल ही गई हैं, कभी मिलने नहीं आई, एक फोन तक नहीं किया। मैंने तुम्हें क्यों फोन नहीं किया? तुम्हारे अब्बू ने बता दिया होगा। लेकिन बेटा तुमने मुझे क्यों फोन नहीं किया? खैर जाने तुम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अब अपने आप को संभालो, अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचेगी। सुनो, क्या इसलिए तुम इतनी खामोश और गुमसुम हो? हाँ, जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ उस घर में मेरे वजूद का एहसास बाकी है कि नहीं, यही देख रही थी। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें सूनापन नहीं नजर आता? तुम्हारे अब्बू का भी यही हाल है, सुबह शाम किसी बहाने तुम्हारी याद कर लेते हैं। आज तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि अगर कोई नवासा या नवासी होगा तो हमारे घर पलेगा। सच तो यह है बेटी कि मैं भी यही चाहती हूँ। क्या तुम हमारी ये मुराद पूरी करोगी? क्या बात है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? ऐसी भी क्या जल्दी है माँ? जल्दी क्यों नहीं है, तुम्हारी शादी को तो एक अरसा हो गया, मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ। आप दिन गिनना छोड़ दो। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। बेटी, तुम मुझसे कहीं कुछ छिपा तो नहीं रही हो जो तुम्हें नहीं छिपाना चाहिए? आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। क्या समीर तुमसे खुश नहीं है? माँ, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब कुछ ठीक है। और तुम्हारे ससुराल वाले, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की है। तुम समझती हो तुम्हारी ये बातें मुझे तसल्ली देने के लिए काफी हैं? जी हाँ, आप तसल्ली रखिए। बेटे, तुमने बड़ा अच्छा किया कि हिना को अपने साथ ले आए, मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन बेटे, तुमने हिना को ये तो नहीं बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं? नहीं अब्बू, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हिना एक नहायत ही सेंसिटिव लड़की है, अपनी माँ के बारे में सुनकर उसका दिल रो पड़ता, इस लिहाज से मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और रहा सवाल कि फिर मुझे उसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था, तो जवाब यह है अब्बू कि उसको देखकर उसकी माँ की तबीयत भी बहल जाएगी, और जाहिर है कि आप उसको कुछ बताएंगे नहीं उसकी माँ के बारे में। तुमने 100% सही कहा, अब देखो ना उसकी अम्मी किस तरह खिल उठी। लेकिन अगर आपने मुझे ये पहले कहा होता तो मैंने उसको बहुत पहले यहाँ लाया होता। अब्बू, हिना पर आपका पूरा हक है, आपका जब जी चाहे आप उसको यहाँ बुला सकते हैं, मैं खुद उसको लेकर आऊंगा। बेटे, सोचा तो मैंने भी कई बार था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि भले ही हिना मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले उस पर हक तुम्हारा है। खून के रिश्तों की भी तो कुछ मांग होती है। बेटे, रिश्तों की भी बंदिशें होती हैं, और फिर हिना तुम्हारे घर में इकलौती बहू है, उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी। पर ये सब देखने के लिए घर में और भी तो लोग हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हिना उन जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही? मैंने ऐसा कब कहा अब्बू? दरअसल घर वालों के होते हुए भी हिना ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ औरों के लिए भी छोड़े। मैंने कहा भी उससे कि घर में और भी तो लोग हैं, लेकिन इस बारे में वो मेरी एक नहीं सुनती। वो बचपन से ही ऐसी है बेटे। वैसे तुम्हारे घर में किसी को हिना से कोई शिकायत तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, आप दिल छोटा ना करें। जिस खूबी से हिना ने सब लोगों का दिल जीत रखा उसे देखकर तो मैं हैरान हूं। इतनी सी उम्र में इतनी सलीकामंदी और इतनी समझदारी देखकर मुझे ताज्जुब होता है। बेटे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये चाहता है तुम कहते जाओ और मैं सुनता रहूं।
सचमुच बेटे, हीना ने मेरी बेटी होने का हक अदा कर दिया। तुम चाय पियो, मैं अभी आया। अरे तुम अकेले बैठे हो, ये कहाँ गए? कुछ बता करने गए, बस अंदर चले गए। और तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। तो क्या बातें हो रही थी हमारे गैर मौजूदगी में? क्या बातें हो सकती है, ये घर हो या वो घर, लोग तो बस सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? वही जो है। मतलब? मतलब क्या पूछती हो? यही कि तुमने कैसे अपनी सलीका मंदी और समझदारी से पूरे घर को संभाल रखा है, वही बातें कर रहे थे, तो गलत क्या है? मैंने आपको भी तो संभाला है, वो नहीं कहा आपने? हाँ, क्यों नहीं कहूँ, तो तुम्हारी खूबियां ही इतनी है कि वक्त कम पड़ गया। अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक शिकायत है मुझे तुमसे। वो क्या? अब देखिए ना, अम्मी कितनी दुबली पतली हो गई, कुछ खाती ही नहीं, कितनी देर से यहाँ भी बैठी है लेकिन कुछ नहीं खा रही। ये बात तो समीर सच कह रहा है, तुम वाकई कुछ नहीं खाती हो। अरे ये आप क्या ले आए? ये हम दोनों की तरफ से इन दोनों को तोहफा। तोहफा? भाई बेटी और दामाद पहली बार घर आए तो तोहफा तो देना चाहिए। अब तुमने खबर की नहीं कि तुम दोनों आ रहे हो, इसलिए मैंने घर में जो भी मुनासिब समझा मैं ले आया। लेकिन इसमें है क्या? जो भी है इनके सामने आ जाएगा। वैसे तोहफा देने वाले की नियत देखनी चाहिए, नियत, तोहफा नहीं। You're right. बस तो फिर कबूल करो बेटा, कबूल करो। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्यों ही ना? जी जरूर बेटा, मैं चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए हीना हमारे साथ रहे। बिल्कुल नहीं, इन्हें वहाँ भी बहुत काम होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। हीना क्या कहती हो? मैं कैसे रुक सकती हूँ, आपको दिन रात काम करना पड़ा है फैक्ट्री में इन दिनों, अब तो उनका ख्याल रखना और भी जरूरी हो गया है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, कम से कम लंच तो खा कर जाओ। नहीं अम्मी, इस वक्त नहीं, इस वक्त ज़्यादा जल्दी है, हीना को घर पे छोड़कर फैक्ट्री भी जाना। लेकिन बेटा, माँ अगर इन्हें काम नहीं होता तो हम जरूर रुक जाते। ठीक है, लेकिन अगली बार खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूंगी। और उस वक्त हम अपनी बेगम की तरफ से होंगे। ठीक है। तुम खुश तो हो ना? मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया ना? यकीन नहीं आता आप अपनी मर्जी से मुझे अपने साथ ले गए, मेरे घर वालों के साथ इतनी अपनाइयत से बात की, मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही थी। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, यूं समझ लो कि हिसाब बराबर हो गया। कैसा हिसाब? मुझसे समझौता करने का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ही ना कि तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जियो, बस मुझे अपनी आजादी से जीने दो। ऐसा करके तुमने मुझ पर एक तरह से एहसान कर दिया, और ये मैंने तुम पर एहसान कर दिया, हिसाब बराबर। तो आपने हमारे रिश्ते को लेन देन का जरिया बना लिया। ये दुनिया ही गिव एंड टेक का नाम है हीना। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके साथ दुनिया इंसाफ नहीं करती, जितना लेती है उसका उतना सिला वापस नहीं करती। ये सोचने का अपना अपना तरीका है, जिस रंग के चश्मे से इस दुनिया को देखो ये दुनिया उसी रंग में नजर आती है। ठीक कहा आपने, आपने रूबी के प्यार का चश्मा चढ़ा रखा है, इसलिए मेरे प्यार में भी आपको रूबी का प्यार नजर आता है, मेरा नहीं। ऐसी बातें तुम हमेशा करती हो और करती रहोगी, मगर जरा सोचो इन बातों का क्या फायदा है। सोचती तो मैं भी यही हूं, लेकिन क्या करूं, दिल को बहुत मनाने के बावजूद ऐसी बातें जबान पर आ ही जाती हैं। लेकिन आप इन्हें शिकायत मत समझिए, ये तो मेरे जज्बात हैं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं और करता रहूंगा,
भाई देवे, तुम्हारा मन जब भी अपने मायके जाने को करे मुझसे कह देना, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा।